न्यूज 19 में मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के सुप्रभात राजस्थान की ओर। राजस्थान में बीते 24 घंटे के दौरान 12 जिलों में 3 इंच तक बारिश हुई है। अजमेर और सवाई माधोपुर में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। रात की बात तो ये है कि इस सीजन में पहली बार बारिश से बिसलपुर बांध में भी पानी की आवक हुई है और मौसम केंद्र जयपुर की माने तो आज जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के कुछ एरिया में भारी बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। रविवार को जयपुर में हुई बारिश ने जून माह के एक दिन में हुई बारिश का 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जिले में सबसे अधिक 82 mm बारिश जयपुर जिले के फुलेरा एरिया में हुई है। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर थाना इलाके में ब्लू स्टार कुरियर कंपनी के कर्मचारी के साथ फायरिंग कर लूट करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में हवाई फायरिंग कर डरा धमका कर नकदी से भरा बैग लूटने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बापरदा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे मामा भांजे हैं। गिरफ्तार आरोपियों का नाम सूरज और छुट्टन सेन है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में प्रयोग एक अवैध पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, वारदात में प्रयोग बाइक भी बरामद करी है। राजधानी जयपुर में 13 साल के बच्चे ने अपने ही माता पिता को साइबर अटैक से डरा दिया। 8वीं के स्टूडेंट्स ने माँ बाप के फोन पर हैकिंग पर ऐप इंस्टॉल कर उनकी सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए। साइबर सेल से शिकायत पर झूठ की पोल खुलता देख करके कई कहानियां भी रच डाली। हैकर्स के म्यूजिक सुना करके इम्प्रोटाइज करने से लेकर के घर में जासूसी के लिए जगह जगह चिप और अपने ही पिता को व्हाट्सएप पर गाली गलौज कर धमकाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पिता को बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जानता हूँ, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साइबर एक्सपर्ट के काउंसलिंग करने पर बच्चों ने सब कुछ खुद करने की बात मान ली है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंत्रियों और प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस ने जब से सत्ता संभाली है तब से लेकर अब तक हर महीने किसी न किसी मुद्दे पर धरने और विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3.5 साल में दर्जन भर से ज़्यादा बार सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले चुके हैं। सुप्रभात। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।